कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह जन्मदिन में हम देख सकते हैं संबलपुर में गुरुद्वारा कमेटी मारवाड़ी ओमान हर कास्ट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से किया जा रहा है, यहाँ देख हर किसी ने यहाँ ब्लड दे रहे हैं। आइए मिलेंगे, कुछ नौजवान हैं जो ब्लड दे रहे हैं और हमारे सामने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे लोग मौजूद हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। वो हमेशा गुरुद्वारा में कोई भी काम हो, बाढ़ हो, कोरोना हो, हर काम में आगे रहते हैं। अब वो ब्लड डोनेशन में भी आगे हैं। आइए दिखाते हैं ब्लड डोनेशन जो हो रहा है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इस तरह यहाँ के युवा लड़के हैं हमेशा आगे बढ़ रहते हैं। लोग कहते हैं ना, सिख समाज हमेशा आगे रहता है, चाहे देश का युद्ध हो, इंडिया पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, हर काम में आगे रहता है, या बाढ़ हो, कोरोना हो, हमेशा सेवा में आगे रहते हैं। सर आपका नाम? अमरजीत सिंह जी। सर आज जो ब्लड डोनेशन हो रहा है इसके बारे में बताइए जी। सबसे पहले तो मैं आपसे गुरु नानक देव जी के गुरुपुर के लाख लाख बधाई देता हूँ और सारी संगत को बधाई देता हूँ, सारी जनता को बधाई देता हूँ। और आज हम लोगों ने मारवाड़ी मंच के मिल के यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे कई साथी, कई हमारे नौजवान सब आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा कोई धार्मिक काम हो, सब डोनेशन का काम होता है, हर समय हम इसके लिए तैयार रहते हैं। मैं आप सबका, पूरी संगत का और पूरे समूह उड़ीसा के सब व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं, जो हमको हर समय पूरा सहयोग देके हमारे साथ खड़े रहते हैं और उनका हमारे सर के ऊपर हाथ रहता है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब जी का बहुत धन्यवाद हूं, जिन्होंने हमको हर समय हमारे मदद की है और हर समय हमारे ऊपर हर विमान का ख्याल रखते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक आ जाओ सर। हाँ जी, पप्पी भाई बोले सारे पहचानते हैं, लेकिन नाम इनका कुछ और ही है। जब से गुरुद्वारा संभाला बहुत ही तरक्की में जा रहा है सर। आज जो सर जो ब्लड डोनेशन हुआ इसके बारे में बताएंगे। नाम नरेंद्र सिंह है, लोग पप्पी बोल के पहचानते हैं, फेमस है। बाकी 552 जयंती का, गुरु नानक देव जी का, हम लोग ब्लड कैंप हम लोग और मारवाड़ी समाज में के लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे हर साल ही लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संबलपुर की जो है बहुत ही एक्टिव रहती है, वो हर काम में आगे, आप लोगों ने देखा है, हर काम में, चाहे बाढ़ हो, चाहे ट्रेन फंसी हो, कोई भी काम हो, हमेशा आगे बढ़ती है और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाती है और लोगों की भी सेवा करती है। आइए मिलेंगे, हमारे सामने में नौजवान लड़के, अभी उनका बॉडी जैसा है वैसा है। सर आज ये ब्लड पहली बार दिया कि इसके पहले दे चुके हैं? मैं बहुत पहले भी दे चुका हूँ। हाँ, हर गुरु नानक जयंती के टाइम में यानी ब्लड डोनेट देते हैं हम, और वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका पूरा नाम बताइएगा। मोनू सिंह है जी। मोनू सिंह तो आपका कौन सा ग्रुप है? ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं, हर किसी की आप जान बचा सकते हैं, ओ पॉजिटिव ऐसा ग्रुप होता है। तो आज जो ब्लड दिया है इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे हर नौजवान को ब्लड देना चाहिए। चलिए ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई आपके जैसा बने तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके मैसेज हम पूरे भारत में जाएंगे। कि मोनू सिंह कहते हैं, जब भी आधी रात को बुलाओ, मेरा ब्लड हमेशा रेडी है, आप लोग बचाने के लिए। चलिए, थैंक यू सर। आज आपका नाम बताइए। सुरजीत महाराणा हूँ सर। हाँ, आज ब्लड डोनेशन हुआ रहा है गुरुद्वारा में सर, इसके बारे में बताएंगे, आपको कैसा लगा? कौन सा ग्रुप आपका? हमारा सर ब्लड ए पॉजिटिव ग्रुप है। ए पॉजिटिव भी बहुत अच्छा ग्रुप है सर। और मैं इससे पहले दे चुका हूँ और आज गुरु नानक जी के जयंती के दिन में देख कर मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस, अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम महाराणा से सुना, वो कहते हैं मैं ब्लड दे रहा हूँ, मेरे को बहुत ही खुशी लग रहा है कि आज खास करके गुरु नानक देव जी का बर्थडे में दे रहा हूँ, उनको ज़्यादा खुशी लग रहा है कि मेरा भी खून किसी के काम में आएगा। और हम भी जाएंगे, हमेशा आएंगे, अभी गुरुद्वारा की सेवा करेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।